हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए के आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। एंड अभी आपको चेयर खाली दिख रही है, लेकिन चेयर खाली नहीं रहेगी। यहाँ पे अनीता मैम आने वाले हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने स्टार्ट किया था अपना ये फैब्रिक आर्ट पे। एक हम बैग बना रहे थे, टोटो बैग, सो ये उसी की तैयारी चल रही है। सो आप देख सकते हैं, अनीता मैम इज़ बैक ऑन द वर्क। और ये हमारी कलर्स, ब्रशेस, वाटर सब रेडी है। जितने में आप लोग हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं, हम भी अपनी सारी तैयारी करके रख रहे हैं। सो हमने बेस कलर लगाना सिखाया था आपको लास्ट लाइव सेशन में, जो कि आप इसी पेज पे देख सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी वो वीडियो अवेलेबल है, जिस किसी को भी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना है। आज हम उसका सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें उसकी डिज़ाइनिंग करनी थी। कुछ पार्ट हमने करके रखा था, सो दैट आपको उसका लुक पता चल जाए। और वो करना कैसे है, वो आज हम आपको करके दिखाएंगे यहाँ पे लाइव में। आपके कोई भी डाउट्स हो इस सेशन से रिलेटेड, आप हमसे यहाँ पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द लास्ट वीडियो। बहुत सारे रिक्वेस्ट आए, लोगों को बहुत खुशी हुई कि हमने फैब्रिक पे कुछ किया है। सो आज हम वही आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, एंड आई एम श्योर आप लोग उसको पसंद करेंगे। चलिए, तो वेलकम टू एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस, आई एम अनीता। फर्स्ट पार्ट का एक बार जो एक छोटा सा रीकैप है, मैं शेयर कर देती हूँ। कपड़ा लिया था मैंने, जैसे कि मोटा आपको दिखाई दे रहा है, कैनवास टाइप कपड़ा है। इसको आप, मैंने बताया था, बहुत तरह से यूज कर सकते हो। इसका कुशन बना सकते हो, इसके साइड लैंप्स बना सकते हो, उस पर कुछ काम कर सकते हो, टोटे बैग बना सकते हो, फोल्डर बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में। फैब्रिक में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, हम एक एक करके कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो मैं ले रही हूँ, ये है फैब्रिक कलर्स, फैब्रिक्रिल के। यस, लास्ट टाइम हमने दिखाया था, ये सॉफ्ट करके उनका ब्रांड है, ब्लू कैप के साथ। जी, तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि बहुत साल पहले जब मैंने यूज किया था, तो उसमें कैमलिन के मैंने यूज किए थे, और उसके साथ एक मीडियम यूज करती थी मैं। वो आज भी वैसे के ही वैसे हैं, लेकिन जो फैविक्रिल का ये वाला है, ये थोड़ा सा स्टिफ भी नहीं होता है और अच्छे से चल रहा है। तो मैंने भी ये वाला ही यूज करके आपको दिखा रही हूँ। इसमें आपको कुछ नहीं लेना, तो मैंने, और दूसरा आप क्या याद रखोगे, कभी भी कोई भी कपड़ा आप यूज कर रहे हो, आप देख रहे हो ये हमेशा, क्योंकि कपड़ा है तो नीचे की लेयर पे इसका कलर थोड़ा सा आएगा ही आएगा। तो आप क्या करोगे, कभी भी किसी चीज को कपड़े पे पेंट कर रहे हो, कपड़े पे जब आप पेंट कर रहे हो, नीचे कोई भी प्लास्टिक जरूर लगा के टेप कर लेना, ताकि आप जिस भी चीज पे कर रहे हो, क्योंकि अगर वो कलर निकल के उस पर लीक करेगा तो वापस आप ही के कपड़े पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये कपड़ा बिल्कुल साफ रहेगा, नीचे कोई भी प्लास्टिक लगा लेना। मैंने जो लगाई थी, OHP शीट हमने यूज करी थी, मेरे पास OHP शीट थी। आप जैसे हर चीज का, हम अलग अलग टेक्निक के साथ फैब्रिक पे काम करने वाले हैं। जो ये आप टेक्निक देख रहे हो, इसमें हमने क्या किया था, अगर आप पहले वाला वीडियो किसी ने मिस किया है, वहीं पे देख लेना। इसी कलर को सिर्फ ब्रश गीला करते गए और हमने आउटलाइन की थी फर्स्ट, जैसे ये वाला मैंने अभी रखा हुआ है, आउटलाइन की। आउटलाइन करने के बाद जो कलर था, जो फिल करना है, आप उसी कलर को आउटलाइन करते हो। जब आपका फिल हो चुका है, तो उसके बाद ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद का स्टेप हम आप शुरू करेंगे, जैसे इस पे मैं पहले करके दिखाती हूँ। तो आपको क्या याद रखना है, जब आप फिल कर रहे थे, तो आपने देखा था मैंने कलर को ज़्यादा पतला नहीं किया था, लेकिन अब हम जब इस पे कुछ भी आउटलाइन का काम कर रहे हैं, तो हमारे को इन कलर्स को थोड़ा सा, और मैं बस थोड़ा सा पानी ले रही हूँ, थोड़ा सा डाइल्यूटेड रखेंगे डिजाइनिंग के लिए, ताकि स्मूथ वर्किंग रहे। इसमें मैंने जैसे बताया, हर टेक्निक अलग है, उसको काम करने का तरीका अलग रहेगा, तो आप सब में सेम नहीं करना। अभी मैं सिर्फ इसमें बता रही हूँ कितना पानी, वो भी अभी आपको दिखाऊंगी। अच्छा, इस पानी का क्या रीजन है, वो भी हमें पता होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि जब मैं इसकी आउटलाइन करूं, तो वो इतना थिक ना हो कि वो बार बार बीच में टूट रहे। बस ये मैंने अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। कोई भी क्वेश्चन होगा पूछ लेना, अगर मानसी जितने में वो बेचारी बीच में इसमें नहीं टोकती है कि मेरा कुछ बीच में लिंक नहीं टूट जाए, तो बाद में भी आप देखोगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, तो मैं जरूर उसका रिप्लाई आपके कमेंट्स में कर देती हूँ, सो डोंट वरी। तो अभी मैंने बस जो थोड़ा सा पानी लिया था, वो इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया, डाइल्यूट किया इसको, वो रीजन ये है कि कपड़ा बहुत थिक है, तो क्योंकि कॉटन है, तो ये कलर को, पानी को, लिक्विड को सोक करता है। तो अगर इसमें इतना थिक मैं कलर लगाने की कोशिश करूंगी, तो कभी भी स्मूथ लाइन नहीं आएगी, वो बार बार टूट जाएगी।
फिर आप लोगों का क्वेश्चन था कि क्या ये धोने के बाद हट जाएगा, बिल्कुल नहीं हटेगा। 24 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद आप एक बार इसको बैक साइड से आयरन कर लेना, उसके बाद आप धो सकते हो। ठीक है, अब मैं काम शुरू करती हूं। एक उमा जी का क्वेश्चन है, डेफिनेटली उमा जी हम आपका क्वेश्चन भी लेंगे, बिकॉज अनिता मैम कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे थे, इस रीजन से आई डिडंट रीड इट आउट। तो उनका है कि फैब्रिक कलर यूज करके थोड़ा हार्ड हो जाता है फैब्रिक, तो सॉफ्ट कैसे रखें? उमा, मैंने आपको जो शुरू में, अगर आपने मेरा सुना हो तो मैंने वही बताया है कि जो इनके कई बार क्या होता है, कई लोग ना उस पर एक्रेलिक यूज कर रहे हैं, तो एक्रेलिक तो थोड़ा सा स्टिफ होता ही है ना। और ये वाला मैंने भी फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ कलर, क्योंकि मैंने सुना है जो इन्होंने ये नई रेंज निकाली है ये स्टिफ नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये कुछ सॉफ्ट करके इनके निकले हैं, ये रहे फैब्रिक कलर सॉफ्ट, तो आप भी मेरी तरह इसको ट्राई कर सकते हो, मैं भी आज ट्राई कर रही हूँ इसको। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर हार्ट्स एंड थम्स अप एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो, ताकि बहुत से लोग इसको देख सके, कर सके, बिकॉज अभी समर्स आने वाले हैं, वेकेशन आने वाली हैं, तो आप सबके लिए एक अच्छा सा आर्ट स्किल आप अपने में डेवलप कर सकते हैं इजी इजी डिजाइंस के साथ। प्लीज जो लास्ट वीडियो के शेयरर थे वो लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज हम आप में से कोई भी एक लकी विनर निकालेंगे, क्योंकि हम थैंक्स करना चाहते हैं जो हमारे वीडियो शेयर करते हैं, आपकी वजह से हमारा काम और लोगों तक पहुंचता है, तो हम उनको थैंक्स करने के लिए कोई ना कोई प्राइज जरूर देते हैं। तो ये हो गया मेरा, मैंने इस पे भी थोड़ा सा रखा था कि किस तरह से आप देखो ये वाला जो हम टेक्निक बना रहे हैं, इसमें सिंपल आउटलाइन फिलिंग देन आउटलाइन करके उसको एक फाइनल टच दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पे कुछ हल्का सा शेडिंग करना चाहते हो, वो कैसे करें, इसीलिए मैंने रोक लिया था। तो अब ये वाला जैसे मेरा आउल है, जीरो ब्रश लिया है मैंने, बहुत सारा कलर नहीं चाहिए, और एक बात और बता दूं कि मुझे थोड़ा सा कल से फीवर था तो मैंने थोड़ी मेडिसिन ली हुई है, अगर मेरा हाथ शेक करे तो प्लीज उसको बर्दाश्त कर लेना। तो जो मेरा ये है जीरो ब्रश, ये रहा, आपको कुछ नहीं करना, बस एक फ्लो में चलते जाइएगा। अगर आप मोटा लेना चाहते हैं तो आप मोटा कर सकते हैं, पतला लेना चाहते हैं तो पतला कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर हार्ट्स एंड थम्स अप। कलर स्प्रेड ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो स्टार्टिंग में मैम ने वीडियो में बताया है। बहुत अच्छे से मैंने बताया, आप अगर पहले वाला वीडियो देखोगे उसमें मैंने, देखो मैंने क्या किया था उस दिन, एक ही क्लास में सोच रही थी कि एक ही सेशन में आपको बता दूं, आउटलाइन करके जैसे ही मैंने उसमें फिलिंग करी तो वो गीला था और वो स्प्रेड होने लगा। अब आप देखो, क्योंकि मेरा नीचे का कोट सूखा हुआ है तो ये बिल्कुल स्प्रेड नहीं करेगा, तो पहली कोटिंग सूखने दिया कीजिए। अगर आप सिर्फ शेडिंग कर रहे हो तब कुछ नहीं होगा, आप उसको ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप फिलिंग की है आपने और आप चाहोगे कि उसके साथ ही आप, तो वो उसको स्प्रेड कर देगा, तो प्लीज एक कोट सूखने दिया कीजिए। आई थिंक उमा जी मे बी अगर आप सेम यूज कर रहे हैं, बिकॉज एज पर देयर इंस्ट्रक्शंस आपको इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, सो मे बी ओवर यूसेज ऑफ थिंग की वजह से वो हार्डनेस का प्रॉब्लम आ रहा हो, सो ट्राई इट विदाउट यूजिंग एनी मीडियम, बिकॉज हमने भी इस बार इसमें कोई मीडियम ऐड नहीं किया, कुछ नहीं किया, और मैं खुद भी पहली बार देख रही हूँ, पक्का हमें पता चल जाएगा कि स्टिफ होता है या नहीं। ये मैंने जो किया है ये तो एक बैग बनने वाला है, राइट, ये कॉटन है, राइट, लेकिन इसके बाद जो मैं बनाने वाली हूँ वो मैं टिश्यू पे कुर्ता बनाऊंगी आप लोगों के साथ, तो उसमें देखेंगे कि हो रहा है या नहीं, पक्की बात है वो दिखाई दे जाएगा, बट मैं जो भी होगा आप लोगों के सामने ही करूंगी। अब अगर मुझे इसमें शेडिंग देनी है तो देखिए मुझे क्या करना है, ये मैं हल्का सा कलर ले रही हूँ, जहां मैंने ले भी लिया है आप उसको अच्छे से निकाल देंगे, उसके बाद भी आप देखोगे कि बहुत कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना के बराबर, एकदम ऐसे, राइट, और आप बस यहाँ पे रखेंगे और उसको हल्के से उठा देंगे, खत्म। ओके उमा जी, देन इट माइट बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड डिफरेंट क्लोथ्स, लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट ऑन आवर, वी विल डेफिनेटली शेयर व्हाटएवर द रिजल्ट्स वी गेट आउट ऑफ दिस। थैंक यू वाजिया खान जी दैट यू लाइक आवर वर्क, थैंक्स एवरीवन हु आर सेंडिंग हार्ट्स थम्स अप्स टू अस। आपका प्यार विश्वास जब आता है ना तो हाथ बहुत जल्दी जल्दी चलता है, अगर आप लोग के हाथ हम सब नहीं आते ना, सो अगर आप मेरा हाथ देखोगे देखो कितने पसीने आ रहे हैं, राइट, तो पहले यही हुआ था कि नहीं जाते, अभी फीवर है, ये देखिए पसीने आ रहे हैं इसमें, लेकिन फिर यही लगा कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठ के देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो कर पाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, सॉरी बोल के हट जाएंगे। ये देखिए, ये
वेलकम वेलकम सुषमा जी, थैंक यू सो मच। हमने फेविक्रिल के फैब्रिक कलर सॉफ्ट के नाम से जो है वो यूज कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत सारा भरिए मत ताकि उसकी ब्यूटी ना खत्म हो, ठीक है। मैं अभी और बताती हूँ आपको। अब जैसे मन से हमने टूथपिक उस दिन कहा अलके पूछ लिया अगर उसके पास हो, अभी मैं टूथपिक से आपको एक बार डॉट ताकि एक सा आ जाए वो हम कर लेंगे, और अगर शेडिंग वहां पे नहीं समझ आई मैं एक जगह और करके दिखा देती हूँ आपको ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ रखना है ब्रश को और हल्के हाथ से उठा दीजिए। बहुत सारा कलर मत लीजिए, है ना, और इतना लीजिए कि उसकी ब्यूटी बनी रहे। बस ये रहा, हल्की सी शेडिंग देनी है। मैं भी एक पेपर के ऊपर और कोशिश करती हूँ, आपको अलग से भी दिखा दूंगा। अभी फैब्रिक पे जो मैं अभी स्टार्ट करूंगी, इसके बाद वो एक टिश्यू के कपड़े पे, टिश्यू या कुछ ऐसा ऑर्गेन्जा कुछ ऐसा कपड़ा लूंगी, वो हम डिफरेंट टेक्निक में बनाएंगे। देखिए, आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया, इतने कमेंट्स किए, इतने सारे शेयर्स, उससे हमें बस ये पता चलता है कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है, ताकि हम दोबारा आए आपके सामने। तो थैंक यू सो मच। बस हल्का हल्का सा कि वहां एक शेड दिखाई दे रहा है। इसके बाद थैंक यू यस मैम विल गेट वेल सून, जल्दी से बिल्कुल आप लोगों से मिलेंगे तो हो जाएगा। ये आप देख रहे हो, कभी भी लाइन को तोड़ो मत, एक साथ जाओ। तो हमारा जो आपने वो पूछा था कि हम क्यों डाइल्यूट कर रहे हैं, वो रीजन आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इतना मोटा कपड़ा है, अगर इसे कलर को उतना ही मैं थिक यूज करूंगी तो राइट, तो कपड़े को कैसे पकड़ेगा ना, आउटलाइन टूट जाएगी मेरी, ठीक है। ये बस इस तरह से हम ले रहे हैं। तो ये वाला जो हम टेक्निक कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं आउटलाइन फिलिंग, देन अगेन आउटलाइन, और ऊपर से कुछ भी ऐसा हल्का फुल्का डिजाइन। थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग एंड सेंडिंग सो मेनी हार्ट्स एंड थम्स अप्स। अब जो हम इसके बाद शर्ट लेंगे, एक तो मुझे थोड़ा सा सजेशन यहीं पे लिख देना आप लोग, क्योंकि मुझे पहले से ड्रॉ करके आना पड़ेगा आप लोगों के सामने कि मैं नीचे से कुछ फ्लावर का डिजाइन लूं या नेक पे बनाऊं, ठीक है। जैसा भी आप लोग बोलोगे वैसा करके रेडी करके लाएंगे ताकि टाइम नहीं खराब होगा। फ्रेंच फैब्रिक में बहुत सारा का आर्टवर्क आप कर सकते हैं, सो वो आपके लिए चॉइस होता है कि आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं उसके अंदर। लेकिन ना ये बात जरूर बताऊंगी, आप लोग अगर हाउस वाइफ है, आपने कभी किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया, बिलीव मी ये कुछ बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। घर में कोई पुराना पिलो भी पड़ा हो ना, आप उसका कवर निकालो, और ये तो सिंपल सी चीज है ना, एक ब्रश ले आओ, दो ले आना पहले, एक राउंड जीरो और एक राउंड का मैं बता देती हूँ नंबर भी, ठीक है, ताकि आप लोग बहुत पैसा, ये जैसे फोर नंबर है कैमलिन का है, जिस भी ब्रांड का आपको अच्छा लगता है, जो भी ब्रांड, तो ज्यादा मत लगाओ। लेकिन बिलीव मी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोग ना कर पाओ, मतलब हम आज भी प्रोफेशनल नहीं बन पाए क्योंकि पैशन है हमारा, ठीक है। अब मान लो ये मैं चाहती तो मैं यही वाली शेडिंग ही कर दूंगी जैसे यहाँ करी, लेकिन मैं आपको डॉट भी बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं डॉट करके दिखाती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर द हार्ट्स एंड थम्स अप्स। और जो टूथपिक, आप टूथपिक ले लेना कोई भी, एक दो बार इसको भी, क्योंकि ये भी वुडन है तो ये थोड़ा जब तक सोक नहीं करेगी कलर को तो नहीं देगी, ठीक है। बहुत पतला देना हो तो आप इसकी फ्रंट साइड से लोगे, थोड़ी सी बड़ी देनी है तो बैक साइड, इसी तरह उससे भी बड़ी जगह है तो आप, मेरा हाथ मैंने वही बोला, आप टूल्स यूज कर सकते हैं हमारे मंडला टूल्स जो होते हैं, मंडला टूल्स है, उसकी बैक साइड है आपके ब्रश की, कुछ भी कुछ भी, तो उस तरह से आप करोगे। बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ ताकि बहुत गर्मी की भी छुट्टियां आएंगी, बच्चों के साथ भी आप कर सकते हो। ये सारा का सारा पूरा का पूरा इतना इजी था कि आप लोग आराम से कर सकते हो। किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ लो। यस फ्रेंड्स,
बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है ये सेशंस करके, बिकॉज इसमें कुछ नया नया हम भी सीखते हैं, आप लोग भी सीखते हैं, और आपके जो डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करने में और मज़ा आता है। तो आप कुछ भी, आपका भी इस करंट वर्क को देखते हुए कोई भी आप पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। जो अब हम उस पे करेंगे इसके बाद, जो टिश्यू या ऑर्गेन्जा जो भी मैं कपड़ा यूज़ करने वाली हूँ उसमें ये वाला टेक्निक हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और थोड़ी सी इसकी आईज के आसपास लाइंस ले लेते हैं। फैब्रिक कलर्स बहुत सारे ब्रांड के आते हैं मार्केट में, बहुत इम्पोर्टेड से लेके बहुत सारे आते हैं, आप जो चाहो आप ले सकते हो। राइट। वो चॉइस आपकी है कि आप किसके साथ जाना चाहते और हैं। देखो, हो सकता है मैं किसी एक चीज की तारीफ करूं, मेरे को बहुत अच्छी लगी, हो सकता है आपको ना लगे। इसलिए कोई भी चीज खरीद रहे हो ना, पहले थोड़ी सी खरीदो, जब वो अच्छी आपको लगे, और हमारे साथ भी शेयर किया करो। यहाँ देखो कितने सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, आपने मेरी किसी क्लास में बहुत टाइम से फैब्रिक कलर नहीं देखा होगा, इसीलिए जो था भी मैंने बहुत सच्चाई से आपको बताया, और ये कैसा रहेगा वो भी मैं आपको शेयर बाद में करेंगे बता जरूर, पाऊंगी, जरूर बताऊंगी ये बैग 100% कंप्लीट करके हम इसका पूरा पिक्चर डालेंगे आपको। इसको। जब बैग रेडी हो जाएगा वो भी शेयर करूंगी कैसा बना है, और वॉश करने के बाद क्या रहा वो भी 101% आप लोगों के साथ सच्चाई से शेयर करूंगी। अब ये वाला मेरा हो गया। एक चीज हमेशा और याद रखना, जब मेरी क्लास होती है ना उसमें तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ, जैसे मान लीजिए हम कहाँ गलती करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ भी बनाना था आपको कुछ यहाँ भी, तो हम लोग क्या गलती करते हैं, जो चीज हमारे पास होती है हम वहां से काम शुरू करते हैं, उसके राइट बाद आगे जाते हैं। तो क्या होता है जब हम ये करेंगे तो ये पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी काम कर रहे हो तो ऊपर से करते हुए नीचे आना, ठीक है। राइट फ्रेंड्स, बहुत सारे फर्स्ट सेशन के बाद बहुत सारे लोगों का ये आया था कि कई बार स्पॉट लग जाता है, कई बार डिज़ाइन कलर फैल जाता है, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें। तो उसी के लिए एक ये टिप था कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए अपने वर्क की। ब्राउन दिख रहा है मुंशी या ब्लैक लेना? यस पहले देखो ब्राउन दिख रहा है, नहीं तो ब्लैक लेना उतना नहीं है ना, सो रहा है। राइट, थोड़ा सा डर लग रहा है तो हम ब्लैक के साथ जाते हैं। थोड़े से कॉम्बिनेशन कलर्स आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं जिसके संग आपको जाना हो। जब भी आपका फिलिंग का कलर गीला है तो प्लीज उसके ऊपर आउटलाइन मत करना। मेरा उस दिन मैं जल्दीबाजी में कर रही थी, मेरा सब फैल गया था, तो वो मत करना, पूरा उसको सूखने दो तब वो स्प्रेड नहीं होगा। कॉटन है उसका अंदर मांड मत रहने देना, स्टार्च मत रहने देना, तो पहले उसको वॉश जरूर करना। अगर उसमें स्टार्च है तो जब आप उसको वॉश करोगे काम करने के बाद तो वो पूरा का पूरा स्टार्च के साथ आपका कलर भी निकल जाएगा। यस अब पता चला हमें डाइल्यूट क्यों करना था, नहीं तो ये लाइन कभी सीधी नहीं आएगी, टूट जाएगी आपकी, क्योंकि कलर भी थिक है और कपड़ा भी मोटा है। राइट, विदाउट आउटलाइन हम लोग कैसे काम करेंगे, वो कौन से डिजाइन्स होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वो बात करेंगे। कोशिश करूंगी कि एक ये पूरा एक बार फैब्रिक का हम लोग कंप्लीटली करें अपना काम। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वीडियो। आप जितना शेयर करते हैं उतना ही ज़्यादा ये काम लोगों तक जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर पे फ्री टाइम में कुछ करना चाहते हैं अपना इंजॉय के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, तो आर्ट सबसे बेस्ट थिंग होती है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लाइकिंग अवर हर्बल प्रोडक्ट्स एज वेल। यहाँ पे गायत्री जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था आपका हमारे होली ऑफर के लिए, एंड अपनी तरफ से हम जितना बेस्ट कर सकते थे, मुझे उपटन, ठंडाई, रोज़ वाटर, तीनों जो न्यूली लॉन्च थे चीज़ें, उसके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा रिव्यूज़ और बहुत प्यार मिल रहा है सब लोगों का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम अलका जी, हेलो ललिता जी, यस अनिता मैम काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आए हैं, और उसका रीज़न ये था कि हमारे घर में रिनोवेशन चल रहा था, सो वी डोंट हैव अ प्रॉपर स्पेस टू सिट डाउन एंड डू द आर्ट अभी वर्क। भी कमरे के कोने में बैठे हैं। राइट, पता क्या होता है, मैं सच बताऊं, आप लोग में से बहुत सारे लोग हमारे साथ आर्ट में भी जुड़े हैं और हर्बल प्रोडक्ट की वजह से भी जुड़े हैं। आप जानते हो हम जो कमेंट करते हैं ना, हमारे लिए वो बिल्कुल पत्थर की लकीर होती है, मतलब आना है मतलब आना है, चाहे तबीयत खराब हो या कोई भी रीजन हो, कभी एक्सक्यूज नहीं देते। लेकिन हम लोगों को जो कहा गया कि 2 महीने में काम हो जाएगा, आज हम 7-8 महीने हो गए, हम इतना दुखी हो गए। इट टेक्स टाइम, राइट राइट। और पता नहीं, हम लोग अपने काम को ना बहुत शिद्दत से करते हैं, तो हमें लगा था सारी दुनिया वही है, बट ऐसा है नहीं। तो अभी थोड़े दिन लगा कि अब और कितने दिन वेट करेंगे,
और जल्द ही हमारी स्टूडियो क्लासेस भी स्टार्ट होंगी बिकॉज अब वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर आ रहा है. सो होपफुली वी विल गोइंग टू स्टार्ट अवर स्टूडियो क्लासेस बाय नेक्स्ट मंथ. जब शुरू करेंगे तो आपको आए दिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने पहले ही अपनी फीस भी डिपॉजिट कर राइट क्योंकि आपको पता है हम हमारी क्लास में 3 या 4 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं लेते हैं, तो ऑलरेडी बुकिंग भी हो गई है. हमने फेविक्रिल के एक्रेलिक नहीं, हमने फेविक्रिल के फैब्रिक कलर यूज किए हैं जो कि अभी उन्होंने न्यूली लॉन्च किया है. आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है, ये रहा राइट, ये आप देख सकते हैं. ठीक है, और ये इसलिए नहीं कि मुझे किसी को प्रमोट करना है, लेकिन हाँ मैंने सुना था कि ये हार्ड नहीं होंगे वॉश होने के बाद, तो मुझे लगा एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए. लेकिन इसका जो भी रिजल्ट आएगा 101% मैं आपके साथ शेयर करूंगी वॉश होने के बाद. वेलकम रुचि जी, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर हार्ट्स थम्स अप. कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग ए के आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस. इसी तरह से आपका प्यार और विश्वास हमें देते रहिए. अब इसकी हमें आईज बनानी है, कुछ नहीं करना, सिंपल फ्री हैंड एक आप सर्कल. थैंक यू यस, इसका पूरा डिजाइन आप देख सकते हैं हमारा पेज पे है फर्स्ट पार्ट. राइट, ठीक है. इसके बाद इसके जो आईज हैं उसके अंदर एक छोटा सा वी बना लीजिए और उसके बाद उसको हाफ सर्कल ले लीजिए और इसको फिल कर दीजिए. बिल्कुल सिंपल रखा है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं मैं नहीं कर सकती. 101% आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है. आप ये लोग जिन्होंने कभी कुछ भी ना किया हो प्लीज एक बार जरूर ट्राई करना, 101% आप करोगे. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद इसकी भी आउटलाइन ले लेंगे. यस फ्रेंड्स, हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो अवेलेबल ही हैं और स्टूडियो क्लासेस भी जल्दी शुरू होंगी. सो ऑनलाइन क्लासेस में हमारा पर्शियन आर्ट, मार्बल आर्ट, झरोका एंड हमारे पचवई आर्ट है, केरला म्यूरल है, बहुत सारे आर्टवर्क्स हैं जिसकी डिटेल आपको हमारे पेज पे ही मिलती है. और अभी आप देखेंगे रिसेंट टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स का आर्टवर्क भी कम्प्लीट होके आ रहा है. थैंक यू सो मच. यस, इसका फर्स्ट पार्ट इसी पेज पे है. राइट, आप देखोगे एक या दो वीडियो के नीचे ही आपको मिल जाएगा. तो अगर ये डाइल्यूट नहीं होगा तो फ्रेंड्स नहीं हो आपका हो पाएगा. दूसरा, अब मैं बताती हूँ आपको, गलती की बात हम कर रहे थे ना, तो यहाँ मैंने वो चीज करके दिखाई है. मैं सीधे दिखाऊंगा जहाँ आपने फिल किया था. हमने पहले क्या किया था, आउटलाइन. आउटलाइन के बाद हमने कलर फिल किया, तो वो जो आउटलाइन थी वो इसका एक बॉर्डर था रोकने के लिए कि कलर कपड़े पे ना आए, क्योंकि आएगा तो फैल जाएगा. तो आउटलाइन ने उस कलर को बाहर आके फैलने नहीं दिया. उसके बाद अब मैं यहाँ पे अभी तक आउटलाइन बिल्कुल उस कलर के ऊपर कर रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे मैंने जानकर इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ टच करा दिया. टच करते ही ये जहां आउटलाइन नहीं है, कोई कलर नहीं है, तो आप देख रहे हो कलर कपड़े पे फैल जाएगा. राइट, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना. डाइल्यूटेड है, थिक नहीं है, तो वो तुरंत से बाहर तक आ गया है. तो ये आपको ध्यान रखना है, वो मेरे जितने स्टूडेंट होंगे वो जानते हैं. राइट, मैं जब चाहते हैं जोर सिखाती हूँ या कोई भी ऑनलाइन होता है उस पे अपनी पेंटिंग में, ताकि आपकी खराब ना हो, मैं गलती जरूर करके दिखाती हूँ ताकि वो गलती आप ना करो. थैंक यू गुंजन जी, अगर आपकी डॉटर माई क्लासेस पसंद करती है तो उसको जरूर ट्राई करवाइएगा. जरूर. थैंक यू गायत्री जी, ठंडाई बहुत टेस्टी थी, घर में सबको बहुत अच्छी लगी. वेलकम वेलकम डियर. अभी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि उसे हम अपने ब्रोशर में ऐड करें. राइट, और पूरी गर्मियां उसको आने दें, लेकिन बिलीव में बहुत मेहनत लग जाती है, उतना टाइम नहीं मिल पाता. हमने कल जो 10 किलो बनाई थी वो खत्म हो चुकी, अभी आज फिर से वो बन रही है. राइट, विल होप कि हम जितने का है उन सबको ऑर्डर ऑन टाइम पहुंचा सके. राइट, तो ये सो ये टिप्स छोटे छोटे फैब्रिक आर्ट को करते हुए जो आपको ध्यान रखने हैं उसको जरूर फॉलो करिएगा. उसके लिए आपको फॉलो करना चाहिए एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस, ताकि हमारे यूजफुल टिप्स भी आपको मिल सके. फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे. यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम हमारा एके दिल से है एंड फेसबुक पेज है हमारा एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस. हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए हमारा पेज होता है एके दिल से, तो वो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं. ये देखो,
तो सिंपल ये आप अपने बच्चों के साथ भी आराम से कर लेना। अब उसके बाद जो अभी आपको करके दिखाया था वो सेम फिर वही रहेगा। हाँ, इस पे मैं एक बार आपको जरूर करके दिखा देती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर हार्ट्स एंड थम्स अप्स। कोई भी डाउट हो, स्कल्पचर पेंट, स्कल्पचर आर्ट भी करवाते हैं आप? डियर, अभी तो क्लासेस नहीं स्टार्ट करी हैं, अभी नहीं करी, लेकिन बहुत जल्दी करेंगे। थैंक यू, पीपल आर लाइकिंग इट, राइटिंग इट ब्यूटीफुल, ऑसम। देखिए, अब इसका ये चीज मैंने आपको बता दी, क्योंकि मैं चाहती थी आउटलाइन कैसे करें पता चल जाए, आउटलाइन के बाद शेडिंग और डिजाइन कैसे था वो ये आपने देख लिया। तो इस तरह से आप ये सारे के सारे पूरे कर सकते हैं। अब हम एक बार बात कर लेते हैं शेडिंग की, राइट? ये छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं फ्रेंड्स, जिनको फॉलो करके आप भी एक बहुत ब्यूटीफुल आर्टवर्क अपने घर पे बता सकते हैं। चलिए, बच्चों के साथ खुद मैं थोड़ा सा कलर की तरफ फोकस करती हूँ। अगर मैं ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ताकि आपको ब्राइट दिखाई दे, कलर कॉम्बिनेशन आप अपने पसंद से लेना, एकदम कलर को ब्रश में से निकाल दीजिए, क्योंकि आप फिल नहीं कर रहे हो, आप हल्की सी शेडिंग दे रहे हो। ये देखो, पूरा निकाल देना, अगर लगे तो थोड़ा सा कहीं और देख लो। ये देखो, बिल्कुल निकाल दिया, ठीक है? अब जहां भी आपको रखना है आप बस रखोगे और उसको इस तरह से आगे स्प्रेड कर दो। ये अभी, अब आप देखो ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत लिक्विड है, right. तो ये फिलिंग की तरह दिखाई देगा। जहां आपको बड़ा एरिया हो और आपको शेडिंग देनी है, तब आप क्या करोगे वो दिखा देते। दोनों चीजें जानना जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, जो डाइल्यूटेड कलर होता है उसी के साथ काम कर देते हैं, तो ये चीज आएगी। ये वाला मैं ब्रश भी दूसरा ले लेती। सिर्फ हल्का सा रखना है आपने, और ये ताकि वो एक शेड जैसा आए, बस ज्यादा नहीं। जहां आप रख रहे हो वहां रखोगे, प्रेस करोगे और उसे आगे छोड़ दोगे। बहुत सारे हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये शेड वर्क जानते हैं, और बहुत सारी हमारी और क्लासेस जो लाइव फ्री सेशंस है उसमें भी हमने ये शेडिंग सिखाई है, आप वहां से भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मान लो अभी तक आपने कभी शेडिंग नहीं की, तो आपका आगे से पीछे तक पूरा एक सार है, ठीक है? अगर आप इसी को आगे देना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, उस स्ट्रोक को थोड़ा सा बड़ा करके लीजिए। यहाँ पे रखा है उसे थोड़ा सा आगे तक, ये ठीक है? तो अब आपको फर्क पता चला होगा कि लिक्विड कलर से आप शेडिंग नहीं करोगे, वो फिलिंग के लिए और आपकी पतली आउटलाइन के लिए सही रहेगा। राइट, सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे आउल्स कितने सुंदर लग रहे हैं। ये जैसे मेरा लेमन कलर हो, बहुत थोड़ा सा हल्की सी शेडिंग दे रही है। जस्ट अ डिफरेंस होता है कि दो शेड्स आपको दिखाई देंगे अपने आप उसमें, जब वो ड्राई अप हो जाता है खत्म। मान लो अगर आपको आपके लीफ आपने लेमन या लाइट ग्रीन की बनाई है और आपका मन है कि मैं उसमें कोई शेड दे दूं, तो जैसे थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर हार्ट्स, थम्स अप्स, लाइक्स। यस, यू कैन कीप शेयरिंग दिस वीडियो so that more and more people join us in the live session and they can also enjoy। ये देखिए, जैसे मैंने ये लिया सैप ग्रीन कलर और मेरे को हल्की सी कहीं शेडिंग देनी है, तो बस वही, बस आप रखोगे और ये हल्का सा बस खत्म, ठीक है? और अगर जहां आपका डार्क कलर की लीफ है और आपको किसी लाइट कलर से देना ताकि वो दिखाई दे, जो दूसरा वाला भी हम करेंगे, जो शर्ट या कुछ भी ऐसा बनाने वाले हैं, उसमें हम कोई दूसरे टेक्निक से करेंगे काम, डेफिनेटली। उसके बाद दुपट्टा, पिलो कवर या जो भी, सोचते बहुत कुछ है फ्रेंड्स, लेकिन बीच में कुछ कुछ भी, आप लोग भी फैमिली में हो ना, कुछ कुछ हो जाता है। राइट, ये देखिए, ये लेमन ले रही हूँ ताकि आपको डार्क जो मेरी ग्रीन वाली है उस पर कुछ कलर दिखाई दे। तो उसमें पहले आप चाहो तो इस तरह से, एक सेकेंड, ठीक है, सब आवाज़ें आ रही हैं, तो आप सिर्फ ब्लेंड
बीच में एक हल्की सी लाइन और हल्का सा इस तरह से दे सकते हैं, कुछ नहीं होगा, खत्म। अगर आप शेड देना चाहते हैं तो हल्का सा ब्रश को लेंगे किसी भी एक साइड लीफ पे, जैसे अगर मेरी ये है, किसी भी एक साइड यहां से लेके जिस डायरेक्शन में वो फोल्ड हो रही होती है उसी में हमें देना होता है, हल्की सी, खत्म। ब्यूटीफुल, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपका मन है कि मैं साइड से ना लूं, मुझे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो भी आप बस यहाँ रखेंगे, खत्म। तो इस तरह से एक कलर ले लीजिए, दो ब्रश ले लीजिए। देखिए क्या होगा, पहली बार में अच्छा नहीं बनेगा, इतने सारे घर में कपड़े पड़े हैं, किसी पे भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर दो, बिलीव मी बहुत अच्छा लगेगा, आपको दिल से अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आई होप इसको लेके आप कोई भी डाउट ना हो तो पूछ लीजिए, ताकि मानसी आपको बता दे। मैम बाजार उमा उमे थाले का क्वेश्चन है, मैम ये फेविक्रिल के फैब्रिक कलर्स हैं, सेम बोल के आपको मार्केट से मिल जाएंगे, सो यू कैन बाय दिस और एनी ब्रांड, फैमलिन कैमलिन है, फेबर कैसल है, जिसका भी आप लेना चाहें। बहुत सारे ब्रांड, आप जब जाते हो ना, आप सिर्फ उनसे ये कहोगे कि मुझे फैब्रिक कलर दिखा दो, राइट, तो वो इतनी सारी आपको देंगे चॉइस, उसमें से आपको जो पसंद, मैं नेक्स्ट टाइम हो सकता है कोई और कलर आपको दिखाने आ जाऊं, है ना। तो जो भी अच्छा लगे, जब आप इतनी चीजें ट्राई करते हो, फिर जो आपको अच्छा लगे आप आगे से वो ले सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। बस हल्की हल्की सी शेडिंग देनी है, ज्यादा उसको फिल नहीं करना, खत्म। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे जुड़ के, आप सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं इसको, ये देखिए खत्म। बहुत सारा कलर मत भरिएगा, इसको मैं बाद में सजा दूंगी इसी की तरह, राइट। तो चलिए, आई होप कि यहाँ तक में किसी का कोई डाउट नहीं है, राइट। जितने क्वेश्चंस थे हम साथ साथ आंसर भी करते जा रहे थे, मानसी पास से फोकस करती है। तो ये देखो, ये था उस दिन जो आप लोगों के सामने करा था, राइट, गीला था नीचे का कलर जो फिल किया था, और मैं सोच रही थी हाथ के हाथ इसके आउटलाइन कर दूं, बट देखो करते ही क्या हुआ था, स्प्रेड हो गया था, जो आप लोग पूछ रहे थे कलर क्यों फैलता है, वो ये रीजन है। तो जब आप आउटलाइन कर रहे हो उसको सूखने दो फर्स्ट आउटलाइन को, देन जब आपने फिलिंग कर दी कलर की उसको सूखने दो, उसके बाद आप आओ, तो ये जो हो रहा है ना ये फैलने का काम, वो नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक का आप सबको समझ आ गया, आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी नए काम के साथ, और जो हमारे लास्ट वीडियो के शेयरर थे उसमें से, जैसे कि प्रॉमिस किया था, किसी एक को हम विनर जरूर बनाएंगे, और वो अभी आपके सामने ही मैं निकाल देती हूँ। और ये जो भी शेयरिंग है उसकी हमने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से इसे अपलोड करना होता है, आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है, और ये आप देख सकते हैं, ये फ्रेंड्स इसका फर्स्ट पार्ट है, आप लोगों को जिसने फर्स्ट पार्ट मिस भी किया हो वो आप यहाँ से देख लेना। और ये है हमारे शेयरर, मैं देख लेती हूँ खुल जाए तो, ये पूरा ये तो कमेंट्स में होंगे, शेयरर्स ऊपर आएंगे, अच्छा उसमें पूरे आ जाएंगे। सी बस जिनके साथ उनका वो रहता है इशू कि उन लोगों ने अपना प्राइवेट सेटिंग किया हुआ है, सो उस केस में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो आपकी सेटिंग हमें ओपन होने ही नहीं देगी। देखिए 102 शेयर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत कम खुलते हैं, तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट या तो डाल दो, तो हम इसकी जगह वहीं से लेना शुरू कर दें, बस इतने ही दिख रहे हैं, राइट। सो हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, लेट्स सी हु विल बी द लकी विनर नेक्स्ट दिस टाइम, और इसी तरह से आप अपने उस पर डालिएगा। ये है क्या नाम है, बल्बी, स्क्रॉल करिए, मैंने रीनी का एक बार फिर से आप करिए दोबारा, राइट, यस, चार्मी अखानी, राइट, चार्मी अखानी, ठीक है। तो चार्मी आप हमें सिर्फ प्लीज व्हाट्सएप या कॉल कर देना, और अपना पूरा एड्रेस दे देना हमें, ताकि हम आपको गिफ्ट भेज सकें। और हमारा है 9582858532 एंड 9811599076, राइट फ्रेंड्स। तो इसी आप देख सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यूट्यूब एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस, यूट्यूब एंड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम एके दिल से भी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, और अपने कमेंट्स लाइक्स शेयर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपके कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस आर्टवर्क तो आप
दोनों में से किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर सकें, आपकी जो जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकें। और इसी तरह से बने रहिएगा न्यू क्लासेस के लिए। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद, और आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जब भी टाइम मिलता है और हम आए तो आपको पता चल जाए कि हम हैं। राइट, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।